हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं मैजिक क्या होता है हिप रिप्लेसमेंट का जस्ट 3 मंथ्स में। मिस्टर हरेश, आप देख रहे हैं इस साइड में ऑपरेशन के पहले कितनी बुरी तरह इनको लचक आ रही थी, ये चल भी नहीं पा रहे थे बिना स्टिक के मदद के से, कितना ज़्यादा इनको पेन था। 3 मंथ्स बाद देखते हैं ये कितना स्मूथली चल रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता कि इनकी कोई भी सर्जरी हुई है। इनफैक्ट रिविजन हिप सर्जरी हुई है जिसमें हमने प्लेट निकाली है और नया बॉल डाला है। दूसरा मैजिक देखते हैं दोस्तों, इनको कितनी ज़्यादा तकलीफ होती थी चेयर से उठने में। इनफैक्ट ये चेयर पर बैठते भी बहुत पीछे जाके थे, सीधा बैठ भी नहीं पाते थे, और अब ऑपरेशन के बाद देख रहे हैं कितना इजीली चेयर से उठते हैं और बैठते हैं। तीसरा मैजिक देखते हैं, बेड पे उठना और बेड से वापस उतरना ये कितना डिफिकल्ट था इनके लिए पहले ऑपरेशन के, और अब देखिए ये कितना इजीली अपने आप बेड से उतर रहे हैं और काम कर रहे हैं अपना। नेक्स्ट मैजिक देखते हैं दोस्तों, रेंज ऑफ मोशन, चाल जो कूल्हे की पूरी तरह चली जाती है वो आप देख रहे हैं इस साइड में। इनकी जो फ्लेक्शन है बिल्कुल ऑलमोस्ट 20-30 डिग्री था, रोटेशंस तो असेस ही नहीं हो सकते थे, इतनी तेज इनका सॉकेट स्क्रू और हेड जो है रब कर रहे थे। अब देखते हैं मूवमेंट पूरी फ्री हो गई है, फ्लेक्शन पूरा आ गया है, रोटेशंस आ गए हैं, एबडक्शन आ गया है। दोस्तों ये है मैजिक हिप रिप्लेसमेंट का, अनसिमेंटेड जो हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं वो यंग पेशेंट्स को इतना ज़्यादा फायदा करता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ पूरी बदल गई है। ऐसा ही हरेश के साथ हुआ। फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर डीपी शर्मा, आई एम अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, एंड टुडे वी हैव हरीश एज आवर पेशेंट। ही हैज कम फ्रॉम जालौन, जालौन से है ना? जी सर। तो हरीश टीचर हैं और इनकी हिप की सर्जरी हो चुकी है। हम रिवीजन सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। कई पेशेंट को ये तकलीफ होती है, स्क्रू का ऑपरेशन किया जाता है। अब या तो ये खाली स्क्रू का ऑपरेशन हो सकता है या फिर जो आपकी प्याली है एसिटाबुलम है वो टूटी हो, जैसे इनके साथ हुआ था, और फिर इनका ऑपरेशन किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली 9 मंथ्स हो चुके हैं और अभी तक ये स्टिक के साथ चल रहे हैं। इनका जो हिप है लेफ्ट साइड का, वो पूरा फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में आ चुका है, उसमें कोई भी जॉग ऑफ मूवमेंट नहीं है। अभी हम मूवमेंट्स देखेंगे, इनके एक्सरे देखेंगे। तो क्या तकलीफ होती है आपको, शॉर्ट में बताओ। सर, मैं जैसे चेयर पे बैठूं तो उठने में बहुत पेन होता है, जल्दी से चल नहीं सकता, 5 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। और बैठने में भी दर्द होता है? हाँ, बैठने में बैठ नहीं सकता, ऐसा बैठा हूँ ऐसे ही बैठ सकता हूँ, और आगे को नहीं, आगे नहीं ऐसे हो सकते, ऐसे बैठना पड़ता है जी, ऐसे। अच्छा, और क्या तकलीफ महसूस होती है आपको? सर वही है कि इधर पेन होता है वजन लेने में। हाँ, चल नहीं पाया हूँ 9 महीने से। तो जैसे ये बता रहे हैं हिप की तकलीफ जो है, कई बार स्पाइन के पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कमर का हिप का दर्द ऐसे समझते हैं, पर टिपिकली हिप में अगर आपको तकलीफ है तो आगे के भाग में भी आपको दर्द होगा, यहाँ पे इधर दर्द होता है। तो आप इतना दूर से आए हैं, आपको कैसे पता लगा कि हमारे पास आना है? यूट्यूब से देखा था सर। यूट्यूब पे देखा था? हाँ। अच्छा, इससे पहले भी आप कई सर्जन के पास गए होंगे, ओपिनियन लिया होगा या तो आपने? हाँ सर, बात तो भी है, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। आपके वीडियोस देखे तो मुझे लगा, और यहाँ के भी देखा तो कुछ डर लग रहा है आपको? सर डर तो लग रहा है। डर लग रहा है। अच्छा, आप कौन है इनके? छोटे भाई हैं मुझे। अच्छा, इनको डर लग रहा है? इनको नहीं लग रहा होगा, थोड़ा नहीं लग रहा है। माता जी कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहें डॉक्टर साहब, अच्छे से ऑपरेशन करना। वो तो आप नहीं कहेंगी तो भी हम अच्छे से ही करेंगे। अच्छे से, बहुत कष्ट में रहते हैं डॉक्टर साहब। चिंता मत करो, अब मैं सोचता हूँ कि बस आखिरी दिन हो इसके कष्ट का, यही हम सब उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, कोई चिंता मत करो, कल से जो है हम कोशिश करेंगे कि जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपका हिप है वो जो घिस रहा है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम आपकी लंबे टाइम के लिए, और आप एक नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाए। ठीक है, तो अभी हम एग्जामिनेशन वीडियोस देखेंगे आपकी। कैसे बैठते हैं? ये पैर तो ठीक है एकदम स्टार्ट है, ये पैर ठीक है, ठीक है, मोड़ो इसको खुद से। तो मूवमेंट्स इसमें एकदम नॉर्मल है इनकी, ये पैर खुद से मोड़ो आप, बस इतना ही मोड़ पाता है, इससे ज्यादा मोड़ने की कोशिश करें तो कमर उठ जा रही है इनकी, पूरे मूवमेंट जा चुके हैं।
पेल्विस मूव हो रही है यहाँ पे बाहर जाने पे, एक्चुअली हिप पे कोई मूवमेंट नहीं है, सारी कमर पे मूवमेंट है। इस साइड देखेंगे मूवमेंट है, तो रोटेशन हम इनके एक्सेस ही नहीं कर सकते, घुटने से मुड़िए कोई भी नहीं है मूवमेंट, दर्द है, रोटेशन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं इनके, और थोड़ा सा माइल्ड शॉर्टनिंग इनकी आई है, ये जो मीडियम मैलेस है थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो हरीश जी सर, हो गया है आपका ऑपरेशन? हाँ सर। कोई तकलीफ नहीं? कुछ नहीं। कुछ पता चला सर? मुझे कुछ भी पता नहीं। कई लोग डरते रहते हैं कि बहुत दर्द होगा उनको ऑपरेशन में। हाँ, लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, उसमें डरने की कोई बात नहीं, कुछ भी पता नहीं चलता, जो कुछ भी पता नहीं चला कि ऑपरेशन कब हो गया, बस बातों बातों में सब कुछ हो गया, बातों बातों में हो गया। हाँ। ठीक है, तो हरीश का एक्सरे देखते हैं हम, इधर आइए। तो इनको जो प्लेटिंग करी हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्टाबलम में प्लेटिंग करी है, और नेक फीमर का भी फ्रैक्चर था जिसमें इन्होंने 3 स्क्रू डाले थे। अभी सीटी भी हमने इनका करा के देखा था, उसमें भी ये नेक के जो स्क्रू हैं ये एस्टाबलम को घिस रहे थे, और ये जो नेक फीमर है ये भी अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है, और यहाँ पे लाइसिस भी हो रही है, ये हेड नॉर्मल है और ये हेड पूरा खराब हो चुका है। तो हमने ऑपरेशन में इनका ये हेड निकाला है, आप देखिए कितनी खराब तरीके से ये डिफॉर्म हो गया था, और इसमें ये स्क्रू इनकी एस्टाबुलम के कार्टिलेज को पूरा छील रहे थे। तो अभी हमने इनकी लेग लेंथ एकदम बराबर कर दी है, और हमने अनसीमेंटेड सिरामिक ऑन X3 पॉली यूज़ किया है, और बिल्कुल सेफ हैं ये, बिल्कुल ठीक हैं, कोई इसमें डरने की घबराने की बात नहीं होती, ये बहुत ही सेफ सर्जरी है। हरीश, आज कितना दिन हो गया? सर 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए आपकी सर्जरी को, तो कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा सर, जब आए थे तो हाँ। सोच ही लेते इतनी जल्दी इतना अच्छा चल पाएंगे। हाँ, तो जो मतलब आपकी लाइफ जो पहले थी, जो आप 1 साल से तकलीफ में थे, वॉकर से चल रहे थे जी, आज उसको याद करते हो तो कैसा फीलिंग लगती है? बहुत अच्छा लगता सर, हम तो भूले गए थे कि हम सही चल भी सकते हैं, ऐसा लगता ही नहीं था कि सही से कभी चल पाओगे, चल भी सकते, कहीं घूम भी सकते, लोग देखते थे कितने अच्छे से चल रहे हैं, हम सोचते हमारा क्या हुआ, हम भी कभी चल पाएंगे ऐसे। हाँ, सही बात है, खड़े होते तो हम बैठे रहते थे, बैठ भी नहीं पाते थे ना। हाँ, आप जब आए थे तब आप ऐसे बैठते थे, बैठ भी नहीं पाते थे, तो अब आप आगे आ पाते हैं। हाँ जी, ऐसे बैठ सकते हैं, पहले तो आप ऐसे ही रहते थे जी, ऐसे बैठ पाते थे। और 1 साल तक वॉकर लेके चलना पड़ा, बैंथ लेके वॉकर से चल पाते, उससे भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाते, दर्द होने लगता था, और चलना स्टेयर चढ़ना पहले कैसा था? मैं चढ़ ही नहीं पाता था स्टेयर, कभी चढ़ाई नहीं। अब चढ़ लेते हो? हाँ, तो चढ़ लेता हूँ, पूरा 100% सही तरीके से नहीं चढ़ लेता हूँ, लेकिन हाँ। पर जैसे 3 महीने ही हुए हैं अभी आपकी सर्जरी को, और आपकी सर्जरी एक रिविजन काइंड ऑफ सर्जरी थी, तो जो आपके मन में कैसे ख्याल आते थे सर्जरी के पहले? उनको तो बस बुलाना चाहता हूँ, बहुत गंदे गंदे आते थे, लगता था कब क्या लाइफ कुछ बचे ही नहीं, कुछ गंदे गंदे विचार आते थे, कभी क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। आपने सर्जरी कराई तो ऐसे कई लोगों के मन में ख्याल आते हैं, फैमिली के भी, जैसे माता जी आप तो बहुत तकलीफ में थी, डरी हुई थी जब आई थी तब, बहुत ज्यादा से डॉक्टर साहब तकलीफ में, अब कैसा लगता है? अच्छा लगता है, चलते फिरते हैं। पहले तो ये लगता था कैसे चलेंगे कैसे नहीं चल पाएंगे, परेशान रहते डॉक्टर साहब। तो कई लोग आपके जैसे हैं, हमारे पास आते हैं, डरते हैं, तो उनके उनसे आप कैसा फील करते हो, उनके बारे में उनको क्या कहना चाहते हो? उनको बस यही कहना चाहेंगे कि डरिए मत, सर्जरी करा दी सर, बताओ डॉक्टर साहब, पहले मैंने ऑपरेशन कराया था। हाँ। तो मैं 3 महीने तो इतना दर्द में था, इतना दर्द, तो ये सोचता था अगर मेरी अब सर्जरी होगी तो मेरा कितना दर्द होगा। हाँ। तो लेकिन इतना पता नहीं था कि हमने आपसे सर्जरी कराई, जो भी दर्द की मेडिसिन मैंने यहीं पे ली है, घर पे मैंने जब से एक भी बार मेडिसिन दर्द की नहीं ली। तो आप कितने टाइम बाद चले गए थे यहाँ से ऑपरेशन के? 3 दिन बाद। तो जो इनकी पहले सर्जरी हुई थी एस्टाबुलम की, जो प्लेटिंग हुई थी, वो कहीं और किसी और सेटअप में हुई थी, कहीं और कराई गई थी सर्जरी, वो हमने नहीं करी थी। और ये जो बोल रहे हैं वो सर्जरी के दर्द की बात कर रहे हैं, कि वो 3 महीने तक बहुत दर्द रहता था, इतना दर्द था सर कि मैं पैर हिला नहीं सकता था, ऐसे भी नहीं कर सकता था इसको, एक जगह बिल्कुल ऐसे रखा रहा पूरी, और जबकि 3 महीना बहुत लंबा टाइम होता है, ऐसे पैर रखा, अगर कभी गलती से पैर हिल भी गया तो बहुत दर्द होता था, ऐसे नहीं मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा दर्द होता था।
और क्योंकि हमने जब आपके स्क्रूज निकाले तो वो एस्टाबुलम पे जो प्याली होती है उस पर बहुत ज्यादा रगड़ खा रहे थे, तो बट ऑब्वियस है कि दर्द काफी ज्यादा था। और जब आपने यहाँ ऑपरेशन कराया उसके ये 3 महीने बाद, जब आप 1 साल तक पूरा हो गया था ना, 9 महीने हो गए थे आपको, उसके बाद भी दर्द बना रहा उन 9 महीनों में भी? हाँ, दर्द रहा। मैं डेली मेडिसिन खाता था दर्द की, डेली खानी लेकिन पड़ती थी। थोड़ा स्टिक से वापस चल लेते थे, लेकिन क्या कहते हैं कि दर्द का दवा जरूर खाना पड़ता था डेली। और जब हमने आपकी सर्जरी करी तो 3 दिन के बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी थी? जब से मैं यहाँ से चला गया घर पे, मैंने कभी दर्द की दवा नहीं खाई, जो आपने दी वो ऐसे ऐसी रखी हुई है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए कि रिवीजन सर्जरी जो 1 साल बाद हमने करी, उसके 3 दिन बाद पेशेंट ने मुंह से भी कोई ओरल मेडिसिन्स नहीं खाई और उनकी रिकवरी काफी ज्यादा अच्छी आई है। तो जो लोग डर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हो? हम डर के अंदर, हम तो ये सोचते थे कि हमको भी डर की दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि हमें आदत सी पड़ गई थी ना। हाँ, क्योंकि 1 साल इतना लंबा टाइम होता है कि बैंत की यूज करने की, और मोटिवेशन भी काफी कम हो जाता है मन में भी। हम और भी दवा बाद में खाते थे, पहले दर्द की खा लेते, तभी यहाँ से भी बहुत सारी दवा दर्द की जरूर ले गए थे, हाँ, लेकिन सच में एक भी दवा नहीं खाई मैंने जब यहाँ से दर्द गया। होता नहीं हाँ, था। होता ही नहीं था तो मैं खाता नहीं था। और ये जो डिप्रेशन जैसा लगने लगता है, 1 साल इतना लंबा कैसे कटता है दर्द में? सब 1 साल लेटे लेटे कट गया मेरा, मुझे कैसे बहुत दर्द रहा मैं बता नहीं सकता हूँ। बस हाँ, लेटे रहता था, बस बेचारे आते थे, क्या बताऊं, बता भी नहीं सकता, ऐसे बेचारे आते, खराब विचार आ क्या जाते हैं जब आपको इतने लंबे टाइम के लिए और यंग एज में आपको लचक आने लगे तो। लचक नहीं, समय चल ही नहीं हाँ, पाता बिल्कुल नहीं चल पाता। हमारे पास है वो वीडियोस आपके, आप इनफेक्ट बैठ भी नहीं पाते थे सीट चेयर ठीक पर, से, ज्यादातर और आप बहुत धीरे धीरे उठते ऐसे बैठ पाता तो बैठ जाता था, 10-15 मिनट थे, और उठने के बैठ लिए आपको बोला जाए तो आप बहुत स्लोली स्लोली उठते। हाँ, अभी आप उठ सकते हैं फास्ट, उठ सकते हैं, बैठिए, जल्दी उठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, और पहले तो आप बहुत सहारा और उठते ही आप अपना बैग ढूंढ देते। हाँ सर, बिना उसके नहीं, डॉक्टर साहब पीछे गद्दा लगाते थे, तन्या हाँ, करके खाना खाते, हाँ तब ऐसे, वो भी ऐसे करके तब खाना खा पाते थे। 3 महीना भाई बढ़िया ही खाना खिलाया उसको अपने हाथ से, अब खा लेता है खुद से, अपने हाथ से रख लेते, अपने हाथ से रख लेगा, अपने हाथ से खाएगा। अच्छा, तो मतलब आपको आपकी लाइफ में कितना चेंज लग रहा है 3 महीने पहले और आज की लाइफ में? सर मुझे तो यही लगता है कि मुझे नई जिंदगी मिली है। नई जिंदगी हाँ जैसा सर, लगता है। ऐसे लेटे लेटे क्या जिंदगी होती है, मैं लोगों को देखता था, मुझे पता नहीं कैसा ख्याल आता कि मैं कभी खड़ा भी हो पाऊंगा, चलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे तो यंग पेशेंट के लिए कितनी ज्यादा पेनफुल बात है कि आप 25, 30, 35 साल के, 40 साल के हैं और सब लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है, आप चल ही नहीं पा रहे, बैंत का सहारा लेना पड़ रहा है, आपके ख्याल भी हर समय ऐसे ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो काफी चेंज है आज की लाइफ में, आज खुश लग रहे हैं सर, बहुत खुश है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं मैजिक क्या होता है हिप रिप्लेसमेंट का जस्ट 3 मंथ्स में। मिस्टर हरेश, आप देख रहे हैं इस साइड में ऑपरेशन के पहले कितनी बुरी तरह इनको लचक आ रही थी, ये चल भी नहीं पा रहे थे बिना स्टिक के मदद के से, कितना ज़्यादा इनको पेन था। 3 मंथ्स बाद देखते हैं ये कितना स्मूथली चल रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता कि इनकी कोई भी सर्जरी हुई है, इनफैक्ट रिवीजन हिप सर्जरी हुई है जिसमें हमने प्लेट निकाली है और नया बॉल डाला है। दूसरा मैजिक देखते हैं दोस्तों, इनको कितनी ज़्यादा तकलीफ होती थी चेयर से उठने में, इनफैक्ट ये चेयर पर बैठते भी बहुत पीछे जाके थे, सीधा बैठ भी नहीं पाते थे, और अब ऑपरेशन के बाद देख रहे हैं कितना ईजिली चेयर से उठते हैं और बैठते हैं। तीसरा मैजिक देखते हैं, बेड पे उठना और बेड से वापस उतरना ये कितना डिफिकल्ट था इनके लिए पहले ऑपरेशन के, और अब देखिए ये कितना इजीली अपने आप बेड से उतर रहे हैं और काम कर रहे हैं अपना। नेक्स्ट मैजिक देखते हैं दोस्तों, रेंज ऑफ मोशन, चाल जो कूल्हे की पूरी तरह चली जाती है वो आप देख रहे हैं इस साइड में, इनकी जो फ्लेक्शन है बिल्कुल ऑलमोस्ट 20-30 डिग्री था, रोटेशंस तो असेस ही नहीं हो सकते थे, इतनी तेज इनका सॉकेट स्क्रू और हेड जो है रब कर रहे थे। अब देखते हैं मूवमेंट पूरी फ्री हो गई है, फ्लेक्शन पूरा आ गया है, रोटेशंस आ गए हैं, एबडक्शन आ गया है। तो दोस्तों ये है मैजिक हिप रिप्लेसमेंट का, अनसिमेंटेड जो हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं वो यंग पेशेंट्स को इतना ज़्यादा फायदा करता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ पूरी बदल गई है। ऐसा ही हरीश के साथ हुआ, आप देख सकते हैं कि उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। 1 साल इतना लंबा टाइम होता है जिसमें पेशेंट को लगने लगता है कि वो कभी चल ही नहीं पाएंगे वापस नॉर्मली, या फिर जैसे लोग दूसरे लोग एंजॉय करते हैं वैसा लोग कर ही नहीं पाएंगे। इनको खाना खाने में भी प्रॉब्लम होती थी,
तो अब दोस्तों देखते हैं ऑपरेशन के बाद का इनका एक्सरे। ये आप जो एक्सरे देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आप गौर करिएगा कि इनकी प्लेट भी हमने रिमूव कर दी है, जैसे बाद में कोई स्क्रू से इरिटेशन या ऐसा कुछ इनको ना फेस करना पड़े। वेल फिटिंग स्टेम है, बहुत अच्छा वेल फिटेड इनका सिरामिक हेड है और प्रॉपर इंक्लिनेशन में इनकी एस्टाबुलम है। दोस्तों इस सर्जरी के रिजल्ट्स को मैजिक कहना इसलिए जायज़ है क्योंकि इमेजिन नहीं कर सकते थे हम कि ऐसा लाइफ चेंज अब आ सकता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ तकलीफ है, हिप आर्थराइटिस या नी आर्थराइटिस से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।